गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू विल स्टडी अबाउट योर चैप्टर 7th, दैट इज ट्रीज आर मैग्निफिशेंट. ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री, मम्मी ऑब्जर्व द फास्ट. वट सावित्री के ओकेजन के टाइम मम्मी ने फास्ट रखा. शी वॉज डूइंग अरेंजमेंट ऑफ वर्शिप, वो पूजा के लिए अरेंजमेंट कर रही थी. आफ्टर सीइंग ऑल दिस, रोशनी आस्क्ड हर मदर. ये सब देखने के बाद रोशनी ने उसकी मम्मी से पूछा, इज देयर एनी स्पेशल पूजा सेरेमनी टुडे, क्या आज कोई स्पेशल पूजा है. मम्मी टोल्ड रोशनी डैट पार्ट बर्गर ट्रीज विल बी वर्शिप दैट डे. मम्मी ने बोला कि आज के दिन जो बरगद का ट्री होता है उसकी पूजा की जाती है. इन द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी एंड पीपल ट्री ऑन दशा माता फास्ट एक्सेट्रा. और ऐसे ही उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं जिनकी पूजा की जाती है अलग अलग ओकेजन पे, जैसे आंवला ट्री की आंवला नवमी में, पीपल ट्री की दशा माता फास्ट के दिन. बाय वर्शिपिंग ऑफ दीज ट्रीज, इन ट्रीज की पूजा करने के बाद वी ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू सेव दैम, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसे बचाए रखें. द कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज़ बीन सेटअप इन द फॉरेस्ट टू सेव ट्री. और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को, ताकि हम हमारे ट्रीज बचा सकें. इफ़ वी विश टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट, वी हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन आर सराउंडिंग ऑल्सो. अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे से बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ट्री को ही नहीं बचाना है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी बचाना है हमारी सराउंडिंग को अच्छी रखने के लिए. While making arrangement for the worship, Roshni and her mother continued to converse. ये सब arrangement करने के लिए रोशनी और उसकी mother के बीच में कुछ conversation होता है, तो वो हम देखते हैं. रोशनी, why should we do so? रोशनी ने अपनी मम्मी से पूछा कि हम ऐसा क्यों करते हैं. मम्मी, due to deforestation, problem of food and habitation for birds and animals will arise. Deforestation की वजह से हमारे खाने और बर्ड्स की हैबिटेशन और एनिमल्स की हैबिटेशन में प्रॉब्लम आती है, वो शुरू हो जाती है. रोशनी, मॉम, आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल. रोशनी अपनी मम्मी से बोलती है कि मैंने अमृता देवी के बारे में पढ़ा है, तो आप मुझे उसके बारे में डिटेल में बताइए. सो मम्मी बताती है, लॉन्ग टाइम अगो द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, सो ही ऑर्डर टू कट केजरी ट्रीज. बहुत टाइम पहले की बात है, जो जोधपुर का किंग था उसे अपने पैलेस की कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रीज की ज़रूरत थी. सो उन्होंने ऑर्डर किया कि जो केजरी ट्रीज है उसे काट के लेके आए. पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ केजरी विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. अब जो बिश्नोई कम्युनिटी में जो पीपल वगैरह थे, उन्होंने केजरी विलेज, जो भी बिश्नोई कम्युनिटी के पीपल थे केजरी विलेज वाले, उन्होंने उसकी प्रोटेस्ट किया, उसके वो बचाया. Following the king's order, his soldiers went to Kejri village to cut the trees. और वो अपने राजा के ऑर्डर पर ही आए थे केजरी विलेज के ट्रीज को कट करने के लिए. Just as they started to cut the trees, Amrita Devi hugged a tree and said, "You will be able to cut it only after killing me." जब उन्हें ट्री को काटना शुरू कर दिया तो जो अमृता देवी थी उसने पेड़ को गले से लगा लिया और उसने बोला कि आप इस ट्री को तभी काट सकते हो जब आप मुझे काट दोगे. अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज. ऐसे ही दूसरे पीपल भी आ गए और उन्होंने ट्री को हग किया. द किंग सोल्जर कट द विलेजर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज. जो किंग के सोल्जर्स थे उन्होंने ना पीपल को भी काट दिया साथ ट्री के साथ साथ. अमृता देवी अलॉन्ग विद 363 अदर्स पीपल सेक्रीफाइज्ड हर लाइफ टू सेव केजरी ट्रीज. अमृता देवी के साथ साथ 363 दूसरे पीपल भी थे जिन्होंने अपने ट्री की लाइफ बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, गवा दी. इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट्स हैज हैपेंड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज. हिस्ट्री में ऐसा और कुछ नहीं हुआ है, जब ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है जब दूसरे पीपल ने सेक्रीफाइस किया हो ट्री को बचाने के लिए. सेंचुरीज लेटर पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च चिपको आंदोलन. दिस इंसिडेंट इज नोन एज चिपको आंदोलन. कुछ सेंचुरी बाद पीपल इससे इंस्पायर हुए और उन्होंने इसका नाम रख दिया चिपको आंदोलन, और इस इंसिडेंट्स का नाम ही क्या हो गया आपके, चिपको आंदोलन. सो रोशनी ने बोला, व्हाई डिड पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्री. पीपल अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस क्यों कर देते हैं ट्री को बचाने के लिए. मॉम,
People sacrifice their lives to save trees because trees gives us fruit, flowers, grains, vegetable, wood, medicines and oxygen. People अपनी life sacrifice इसलिए करते हैं क्योंकि हमें trees से काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे fruits मिलते हैं, flowers मिलते हैं और भी ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। रोशनी, इट मीन्स वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब कि हमें ट्री को किसी भी कॉस्ट पे किसी भी तरह से। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान। अब फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ। शंकर, आई फील वेरी एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अ फॉल्क डाइटी वंस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब से मैंने फेयर वहाँ पे फॉल्क डाइटी में जो फेयर हुआ वो विजिट किया है। आई सॉ अ बिग ग्रास लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। मैंने एक बड़ा सा ग्रास लैंड और ओरन देखा फेयर कंपाउंड के पास। अनिल, वॉट इज़ अ ग्रास लैंड एंड ओरन। अब ग्रास लैंड एंड ओरन क्या होता है, अनिल ने शंकर से पूछा। शंकर ने कहा, आई हैव सीन मैनी ट्रीज बुशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। मैंने काफ़ी सारे ट्रीज देखे, बुशेज देखे, घास फूस और अनकल्टिवेटेड लैंड देखे जहाँ पर भी कोई खेती बाड़ी नहीं थी। From the trees and bushes here, it seems that people do not use axes to cut them here. वो trees और bushes देखने से मैंने ये नोट किया कि यहाँ पर जो people हैं वो उन्हें कट नहीं करने देते हैं। अनिल, how did you get all this information? तुम्हें ये सारी information कैसे मिली? शंकर, in my village, people do not cut wood from this type of land. मेरे विलेज में भी जो people होते हैं ये लकड़ियों को काटने नहीं देते हैं। Let us know more about this from our teacher. अब हम हमारे टीचर से इस बारे में और जानते हैं। अनिल, सर प्लीज टेल अस अबाउट ग्रास लैंड एंड ओरन। अनिल ने पूछा, सर आप हमें ग्रास लैंड और ओरन के बारे में बताइए। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। टीचर ने बोला, डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी स्टेट है उसमें से पहले बहुत पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ फोल्क डाइटी साइंस और ग्रेट मैन। सच लैंड इज नोन एज एरन। पीपल जो होते हैं अपने विलेज में लैंड को कंजर्व करते हैं फोल्क डाइटी साइंस और ग्रेट मैन के नेम से, और इसलिए हम इन्हें ऐसे लैंड को हम कहते हैं ओरन। अनिल, सर डू पीपल नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। अनिल ने पूछा, सर क्या पीपल ऐसे लैंड को कट नहीं करते हैं। टीचर, येस दे डू नॉट कट वुड। वो वुड को कट नहीं करते हैं। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन ग्रास लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड। क्योंकि ये जो पीपल है वो अवेयर होते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन से, ग्रास लैंड से, ओरन से, सो वो उसे बचा के रखते हैं। अनिल, सर The villagers also talk about government laws regarding such type of land. Sir, जो villagers होते हैं government laws के बारे में भी बात कर रहे थे ऐसे type के land, जैसे type of lands के बारे में। Teacher, yes Anil, you are right. Teacher ने बोला, हाँ Anil तुम सही हो। Rajasthan government has made laws for the conservation of partial land. जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं कंजर्वेशन ऑफ पार्शियल लैंड के लिए, ग्रेजिंग लैंड्स के लिए और ओरन के लिए। ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जो लोकल पीपल की रिस्पेक्ट के लिए एनवायरनमेंट अवेयरनेस से जो रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की ज़रूरत के लिए। अनिल, सर डू यू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। सर क्या आप भी उन पीपल लोकल पीपल की रिस्पेक्ट करते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट ओरन गोचर एंड पार्शियल लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। और जो लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने ओरन गोचर पार्शियल लैंड के उस बचाने के लिए उसकी भी। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज। इस तरह से जो राजस्थान के फॉरेस्ट हैं वो बचे हुए रहेंगे, कंजर्व रहेंगे दूसरे ट्रेडिशन और लॉस से। ऑन योर बर्थडे ऑन न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्लांट अ सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड टेक रिजोल्यूशन टू टेक कम्प्लीट केयर ऑफ इट। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज। आप अपने बर्थडे पे या नए साल पे या कोई पर्टिकुलर डे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस पे एक प्लांट को ग्रो कराओ और अपने एंसेस्टर से प्रॉमिस करो, रिजोल्यूशन लो
कि आप उसका पूरा ध्यान रखोगे। इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को और अपने ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये जो टेबल दे रखी है इसमें पार्क और सेंचुरीज बताइए राजस्थान की और उनकी डिस्ट्रिक्ट। सो रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है? सवाईमाधोपुर। कोयलाडियो नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर। सो ये क्या थे? आपके पार्क्स और सेंचुरीज थे जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है। नाउ फूड चेन। नमिता सेड टू हर मॉम, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, आई फीड द बर्ड्स। देन टेल मी मॉम, हु गिव फूड टू द एनिमल इन फॉरेस्ट, हु वाटर दीज प्लांट। नमिता ने बोला कि मम्मी, मैं अपने घर में प्लांट्स को रोज़ पानी पिलाती हूँ, रोज़ बर्ड्स को खाना खिलाती हूँ, तो मॉम मुझे बताइए कि जो एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में उन्हें कौन फूड खिलाता है और वहाँ प्लांट्स को कौन पानी पिलाता है। मॉम टोल्ड डैट हर्बीवोरस एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर स्मॉलर एनिमल्स। मम्मी ने बोला हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना लेते हैं ट्रीज और प्लांट्स से, वो उन्हीं पे डिपेंड होते हैं। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, और वो अपना फूड किससे लेते हैं? उनसे छोटे एनिमल से। सो ये आपकी क्या हुई? एक फूड चेन चल रही है। सो प्लांट को कौन खाते हैं? रैबिट को खा जाते हैं फॉक्स को खाते हैं लायन। सो ये आपकी फूड चेन चल रही है। देखो सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड फूड चेन। अब जो रिलेशनशिप होता है लिविंग थिंग्स और प्लांट्स के बीच में उसे हम कहते हैं फूड चेन। देखो ये ग्रास हॉपर था, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग स्नेक जो होता है फ्रॉग को खाते हैं, और अब आपकी ये जो और जो आपका वल्चर होता है वो आप स्नेक को खा जाता है, तो ये आपकी फूड चेन चल रही है। सो नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आया।